हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी लेट उठी सोकर, तो काफ़ी लेट हो गया। अभी मैंने ये कुछ बॉयल किया था, चुकंदर वगैरह है, कॉर्न है, सो मैंने तो खा लिया। अब ये प्रिंस को दे देती हूँ मैं, और उसके बाद आज मुझे मार्केट भी जाना है स्पेक्स के लिए। कल मैं गई थी तो लेंस का उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, तो वो आज आ जाएगा, तो अभी उसके लिए जाना फ़िलहाल। तो और प्रिंस ये खा लें। हेलो, खाले घूर क्यों रहा है? देख क्या है, ये कॉर्न है, ये गाजर है, चुकंदर है, और ये बीन्स है। कितना अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए, खा तो मोटा हो जाएगा। नहीं, जरूरत नहीं है। ये मरीजों वाला खाना है। ये मरीजों वाला खाना नहीं है, ये अच्छा है। नहीं, कोई बात नहीं, डाइजेशन तो इतना अच्छा रहेगा। कितना भी न्यूट्रिएंट्स की शक्ल ही पसंद नहीं आई मुझे, इतना तो अच्छा लग रहा है देखने से। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो खा लिया बहुत सारा, पता है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैं पहले क्यों नहीं बताया, फिर मैं बनाते ही नहीं। इसमें से बीन्स निकाल दो, मैं खा लूँगा। अच्छा ठीक है, सुन मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है, स्पेक्स के लिए, और रोटी बना लियो। आटा है? हाँ आटा है, बस ठीक। ठीक है, और मुझे फिर पैकिंग करनी है, बिकॉज मुझे फिर कल जाना है अपने सेंटर पे। ठीक है, बना लो। तो मैं ये नहीं खाना क्या फिर, ले जाऊँ? गाइस देखिए कितना अच्छा है ये, खा नहीं रहा है बदतमीज, ये फालतू की चीजें खाता है, इसको ये सब नहीं पसंद है। तो मैंने आज सब्जी भी बना दी, जल्दी रेडी कर दिया था, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई है। और अभी प्रिंस बना लेगा रोटी, फिर तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज आज जल्दी करना पड़ेगा मुझे, जाना है मुझे अभी मार्केट में स्पेक्स के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से आऊँगी, फिर पैकिंग वगैरह करनी है, तो इसलिए बहुत कम टाइम है और बहुत सारा काम है, और मार्केट से कुछ सामान वगैरह भी लेकर आना है, तो वो भी लेकर आ जाऊँगी। सो अभी तो मैं जा रही हूँ मार्केट में, चलिए मेरे साथ। गाइस फाइनली मैं टैक्सी शॉप पे पहुँच गई हूँ, और लंच का ऑर्डर मैंने दे दिया था, आपको बताया था मैंने कल, तो अभी बन गया होगा, तो अभी जाकर पता करते हैं अंदर कि क्या है। तो गाइज फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बट अभी ठीक है, घर पे आ गई मैं, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने अपना लंच रेडी कर लिया है। सो अभी मैं अपना लंच करूँगी, और आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, आप देख सकते हैं, तो ये मैं खा के देखती हूँ कैसी है। और अभी तो लंच कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को स्पेक्स बना के पहन के दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ लंच करने के बाद। सो गाइज मैंने अमेजोन से कुछ पार्सल मंगाया था, जो कि आ चुका है, और आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। थैंक यू भैया। सो फिलहाल ये मेरा पार्सल आ गया है, और इसको मैं अनबॉक्स करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। सो गाइज मेरा स्पेक्स बन के आ गया है, मैंने बोला था अभी आप लोगों को लगा के दिखाऊँगी, आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, ये मेरा क्रिजाल का लेंस है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कैसा लग रहा है? सो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है स्पेक्स, और मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे। तो अभी इसको मैं निकाल देती हूँ, और मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, बहुत सारे कपड़े रखने हैं मुझे, तो मैं वो कर लेती हूँ। सो गाइस मुझे सारा सामान अभी पैक करना है, अभी बहुत सारे कपड़े अंदर रखे हुए हैं, वो सब भी फोल्ड कर करके रखना है, आधा घर पे छोड़ना है, बहुत टेंशन है, सर में दर्द हो गया है। और प्रिंस को मैंने बोला हेल्प करा दे भाई, बट वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ अकेले ही। सो कोई नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये सब तो मैंने फोल्ड कर दिए थोड़े थोड़े से, ये कुछ कुछ रह गए मेरे। सो गाइज मैं कल चली जाऊंगी अपने सेंटर पे, और मैं 40 डेज से घर पे ही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बस बहुत सैड हूँ मैं। घर पे अच्छा लगता है, और मेरी मम्मी भी आ जाएंगी, कल मैं जाऊंगी, परसों मेरी मम्मी भी आ जाएंगी, मम्मी पापा महिमा सारे आ जाएंगे, तो अब
चली जाऊंगी और फिर उनसे पता नहीं कब मिलूंगी मैं। सो मैं जल्दी जल्दी सामान रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाय बाय।